Hello guys, welcome to Grade Up and welcome to the new session in which I will be hacking quantitative aptitude. Okay, so guys, so talking easily, I will be talking about some tricks of quantitative aptitude which could be applied in data interpretation section as well. And before we begin with the session, I just want to give a quick introduction about myself. So my name is Rajul Khare, and as you can see, I have got a 99.99 percentile multiple times actually. Recently, I've given CAT 2019, so I've got a 99.99 percentile in quantitative aptitude and logical reasoning data interpretation section. I've cleared 7 times CAT since 2011. So 2011 was my first attempt. I've done my MBA from MDI Gurgaon, and I will be taking 2 of these sections, and I've been training from last 9 years. Okay, guys, apart from it, I am also running a company called Tamasha Entertainment, which is based out of Gurgaon. Okay, guys, so let's come down to the first hack, okay, which I'm taking today. Around quantitative aptitude. Okay, before I talk about the trick or the hack, let's read the question. What does the question say? The question says, in a certain town, people are either married or unmarried. ठीक है, लोगों की या तो शादी हुई है या तो नहीं हुई है. Similarly, either they work or they don't work, obviously. 37% of the total population was married and 76% of the married people were working. ठीक है, similarly, 54% of the unmarried people were working. If the total number of people who work was 1,24,280, find the total population of the town. ठीक है गाइस, क्वेश्चन समझ आ रहा है? लोगों की या तो शादी हुई है या तो नहीं हुई है, या तो काम करते या तो नहीं काम करते. मैरिड लोगों में कितने लोग काम करते हैं, अनमैरिड लोगों में कितने लोग काम नहीं करते, कितने लोग काम करते हैं वो निकालना है. टोटल कितने लोग काम करते हैं वो हमें डेटा दिया हुआ है, हमें टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बताना है. ठीक है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि हम ऑप्शंस देखें. कैन वी चेक द ऑप्शंस नाउ? ठीक है, अगर आप ऑप्शंस देखेंगे, देखो ये क्वेश्चन अभी एनमैट स्नैप लेवल पे, दिस क्वेश्चन राइट नाउ इज एट एनमैट स्नैप लेवल. आई विल कन्वर्ट इट इनटू कैट लेवल. अभी मैं कन्वर्ट इसी क्वेश्चन को कैट लेवल में कन्वर्ट करूंगा बाय चेंजिंग द ऑप्शंस. सो ऑप्शन नंबर 1 सेज 90,000, ऑप्शन नंबर 2 सेज 2 लाख, ऑप्शन नंबर 3 सेज 50,000 एंड ऑप्शन नंबर 4 सेज 1 लाख. गाइज, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु वर्क वॉज 1,24,280. वॉट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन? Total population of the town will definitely be greater than 1,24,280 without even solving the question. So the only option possible is second option, because all these three options are less than 1,24,280. ये तीनों answer नहीं हो सकते, question solved. मैं हमेशा कह रहा हूँ, जब भी आप CAT का question solve करो, पहले option देख लेना. If you will do my full length classes of percentages or ratios or data interpretation, मैं हमेशा कहता हूँ options देखते रहना, options देखते रहना. Checking the option is the biggest hack. ठीक है ना, चेकिंग द ऑप्शन इज द बिगेस्ट हैक. हमने हैक कर लिया इस क्वेश्चन को. आंसर इज व्हाट? 2 लाख रुपीज गाइस, 2 लाख रुपीज इज द आंसर अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शन. ठीक है, नन ऑफ दीज है नी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है नी, डन डील. ठीक है, लेट्स मेक दिस क्वेश्चन अ लिटिल डिफिकल्ट एंड लेट्स टेक इट टू एन IIFT लेवल. IIFT में एक क्वेश्चन आता तो ये कैसा दिखता? सपोज इन अ सर्टेन टाउन पीपल आर ईदर मैरिड और अनमैरिड. क्या चेंज किया मैंने? सिर्फ एक ऑप्शन को 1 लाख से हटा के 2,16,000 कर दिया. एक ऑप्शन को 1 लाख से हटा के क्या कर दिया? 2,16,000 कर दिया. सो गाइज, आप इंटरेस्टिंग चीज देखना, अब दोनों आंसर हो सकते हैं. ठीक है ना, अब दोनों आंसर हो सकते हैं. सो व्हाट इज द ऑर्थोडॉक्स? अब तो मैं सोचूंगा कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं. पहले तो मैं सोच ही नहीं रहा हूं कि क्वेश्चन को मुझे सॉल्व भी करना है कि नहीं करना. द लास्ट थिंग विच यू शुड डू इन अ क्वेश्चन इज टू पिक अप योर पेन. पहले तो ऑप्शन से देखो, अगर हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो अब नहीं हो रहा है. अब देयर आर टू ऑप्शन. अब ऑर्थोडॉक्स मेथड क्या होगा इसका? ऑर्थोडॉक्स मेथड क्या होगा? लेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बी टी. लेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द टाउन बी टी. 37% ऑफ द पीपल आर मैरिड. सो मैरिड कितने हो गए? 37%. अनमैरिड कितने हो गए? 63%. व्हाट आर अनमैरिड पीपल? 63%. 76% ऑफ द मैरिड पीपल आर वर्किंग. मतलब 76% ऑफ 37% are working. 54% of the unmarried people are working. मतलब 54% of 63% are working. और इनका जो सम है into T is given as 1,24,280. 1,24,280. अब बड़ा इंटरेस्टिंग हैक देखना. देखो अब ये डिजिट से कराऊंगा मैं. डिजिट इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व अभी भी नहीं करना है. 6 7 जा लास्ट डिजिट क्या देगा? 2. 4 3 जा लास्ट डिजिट क्या देगा? 2. तो 2 प्लस 2 लास्ट डिजिट क्या देगा? 4.
इनटू टी, अब टी का भी कुछ लास्ट डिजिट आ रहा होगा गाइस, देखो यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, चार जीरो यहाँ, चार जीरो यहाँ, ऐड भी करोगे तो चार जीरो कॉमन, और यहाँ कितने जीरो आ रहा है, एक, मतलब टी में कितने जीरोज होने चाहिए गाइस, 5 जीरोस, टी में कितने जीरोज होने चाहिए, 5 है, टी में जब 5 जीरो होंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे यहाँ कितने जीरो आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये चार जीरो इस चार जीरो से कैंसिल होंगे, तभी तो लास्ट में जीरो आएगा, क्योंकि ये तो 2 + 2 = 4 ही दे रहा है, मतलब मिनिमम चार जीरो तो होने ही चाहिए टी में, मिनिमम चार जीरो तो टी में होने चाहिए, ये दोनों तो आंसर थे नहीं, ये भी नहीं हो पाएगा, सो व्हाट इज द आंसर गाइस, 2 lakh rupees अगेन गाइस, देख रहा हूँ मैंने क्या किया, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 जीरो काउंट कर लिए, चार जीरो यहाँ है, चार जीरो यहाँ, आंसर में कितने, एक जीरो, मतलब टी में जीरोज होने चाहिए, मतलब टी में कम से कम चार जीरो होने चाहिए, और ऑप्शन में चार जीरो हैं तो तीन ऑप्शन में, लेकिन आंसर विल बी ग्रेटर देन 1,24,280, मतलब देयर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज पॉसिबल, 2,16,000 नहीं हो सकता, आप रख के देख लीजिए यहाँ 2,16,000, अगर आप यहाँ 2,16,000 रखेंगे तो तीन ही जीरो कटेंगे, जो बाकी जीरो आएगा वो पॉइंट में आएगा, तो कभी 1,24,280 आंसर आ ही नहीं सकता, अगर आंसर इंटीग्रल आ रहा उसी में आंसर में एक और जीरो आ रहा है, मतलब ऑप्शन में पांच जीरो होने चाहिए एक्चुअली, तो अगर यही ऑप्शन होता 1,24,288 होता तब तो चार जीरो चलते, एक और जीरो आ रहा है, मतलब चार या पांच, 4 zeros or 5 zeros, विच ऑप्शन हैज 5 zeros, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, टू ऑप्शन विच आर हैविंग 5 zero, 1 lakh हो नहीं सकता, व्हाट इज द आंसर गाइज, 2 lakh rupees, अंडरस्टैंड दिस हैक प्रॉपरली गाइज, बहुत इंटरेस्टिंग हैक है, ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते थे, लेट्स मेक दिस क्वेश्चन 90,000, 2 lakh, 1 lakh 80,000 and 2 lakh 60,000, ठीक है ना, 2 lakh, 1 lakh 80, ये तो गया, फिर से गया, अब ये तीनों ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब टफ ऑप्शन, मतलब कैट लेवल, कैट में क्या होगा, ऐसे नहीं मिलेगा कैट में, अगर ऐसा मिलने लगा कैट में फिर तो क्या बात है, सबके 99, ये वीडियो देख के सबके 99.9% आ जाएंगे, लेकिन नहीं, कैट में क्या होगा, ऐसा होगा, तीन ऑप्शन आएंगे टफ, ये भी हट गया, ये भी हमें पता चल गया, चार जीरो, अब यहाँ चार जीरो, यहाँ पाँच जीरो, आई एम ऑलरेडी बायस टूवर्ड्स वॉट, 2 lakh, स्टिल द आंसर इज वॉट, 2 lakh, क्योंकि पाँच जीरो होने चाहिए, ठीक है, अगर बहुत टफ ऑप्शन आ गया, मान लो 3 lakh भी आ गया, मान लो 3 lakh आ गया, इसकी जगह अब 3 lakh कर दिया मैंने, अब तो फंस गए, अब तो जीरो से नहीं हो रहा, अब आप एक दूसरी ट्रिक देखिए, दूसरा हैक, हैक नंबर थ्री, हैक नंबर वन वॉज वॉट, 1,24,280 से आंसर ज़्यादा होगा, लेवल वन सॉल्व, दूसरा हैक 5 जीरो होने चाहिए, लेवल टू सॉल्व, तीसरा हैक 5 जीरो हैं, अब क्या करेंगे, वॉट इज़ द थर्ड हैक, देखो आप क्या करिए, मैंने परसेंटेज बताया था, परसेंटेज रफली निकाल दीजिए, 37% ऑफ 76%, याद है, यहाँ मैंने क्या किया था, 37% ऑफ 76% निकालिए, 37% क्या होता, ऑलमोस्ट 33.33% क्या होता गाइस, ऑलमोस्ट 1/3, 76% का 1/3 क्या होता, ऑलमोस्ट 25%, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, मतलब 25 से 30%, मतलब 25 to 30% ऑफ पॉपुलेशन आर वर्किंग हु आर मैरिड, ठीक है, सेकेंड 54% ऑफ द अनमैरिड पीपल आर वर्किंग, वॉट आर अनमैरिड पीपल, 63%, 63% का 54% कितना होता, 50% कितना होता गाइस, 63 का 50, 31, 32, मतलब 32 से ज़्यादा, मतलब रफली करीब 35%, 35 और 25 को आप ऐड करोगे तो रफली द आंसर विल बी अराउंड 60% to 65%, सो 60% to 65% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज 1,24,280, और 2 lakh का 60% क्या होता, 1,20,000, हो गया गाइज, व्हाट इज द आंसर, 2 lakh, हैक नंबर 3, देख रहा हूँ मैंने क्या किया, परसेंटेज की ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप परसेंटेज का परसेंटेज निकाल दीजिए, लेट्स लिसन इट अगेन, 37% और 76% ट्रिक लगा दी, 37% क्या होता है, ऑलमोस्ट 1/3, क्योंकि 33.33 क्या होता है, 1/3, तो 37 को भी मैंने 1/3 मान लिया, 76 का 1/3 क्या होता, 25, मतलब 25 से ज़्यादा, मतलब 25 से 30% के बीच में, ये हो गया, 54% ऑफ अनमैरिड, 50% क्या होता, हाफ, 63% का हाफ क्या होता, 31-32%, मतलब रफली 35 और 25 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा रफली 60-65%, 60-65% ऑफ दिस आंसर इज 1,24,280, 60% ऑफ 2 lakh इज वॉट, 1,20,000, 65% इज वॉट, 1,30,000, मतलब बिल्कुल बैठ रहा है, 3 lakh का 60% निकालोगे तो क्या आएगा, 1,80,000 गाइज, वो आ नहीं रहा है, वॉट इज द आंसर गाइज, 2 lakh rupees, ठीक है गाइज, तो हैक नंबर 1, हैक नंबर 2, हैक नंबर 3 अप्लाइड इन द सेम क्वेश्चन, सो आई एम मेकिंग दिस सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोज सो डैट
आप लोग टच में रहो, आप लोग ट्रिक्स सीखते रहो, बिकॉज आप कितनी भी मैथ्स पढ़ लें एंड में एग्जाम में ट्रिक्स लगा के आनी है, बिकॉज पेपर सिर्फ लास्ट ईयर 40 मिनट्स का आया था, इस साल हो सकता 60 मिनट्स का है. यू हैव टू रफली सॉल्व अ क्वेश्चन विद इन 2 मिनट्स, एंड 2 मिनट्स में कैसे होगा ऐसा क्वेश्चन, अगर आप सॉल्व करने लग जाते फिर तो ये कभी सॉल्व नहीं होता गाइस. 76 × 37 + 54 × 63 / 1000 × 100 × 100 × t = 1,24,280 कैलकुलेटर भी यूज करते वो भी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर तो भी नहीं हो पाता गाइस. ठीक है, होप यू लाइक दिस सेशन गाइस. ठीक है ना, आगे अगली हैक नेक्स्ट डे, नेक्स्ट सीरीज, नेक्स्ट वीडियो. ठीक है ना, बट यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. Subscribe to our YouTube channel, subscribe to our Telegram channel, and please like this video and share this video. Okay guys, so before I end the session, I just want to give you a bit introduction about GradeUp. These are the classes which are going on almost every day. I am taking a class at 6 PM on LRDI and Quantitative Aptitude. This is a short video jisme main hack bata raha tha. Pura aapko quant ka, pura LRDI ka theory padhna hai. 6 baje mujhe YouTube par miliye. Okay, I'm taking a series on one selection process of the colleges and second on the percentages, arithmetic. ठीक है guys, so these are the timings and these are the batches. So enroll yourself for GradeUp Super. ठीक है, there are a lot of batches for CAT going on, for CAT 2021 and CAT 2022 both. These are expert faculties. You can find me as well. There's Saral sir, there's Pranav sir, Sonujam sir, Savitri ma'am, Ankur sir, Ajay Senin sir. All the faculties have a work experience of more than 10-15 years and majority of us have got a percentile of around 100 percentile in the section which we are teaching. ठीक है गाइज, दीज आर द सुपर सब्सक्रिप्शन प्लान. लास्टली जस्ट लाइक द वीडियो, कमेंट द वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस, प्लीज कमेंट, प्लीज गो इनटू द कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी डाउट्स. ठीक है, इंडिविजुअल डाउट्स पूछना है प्लीज सब्सक्राइब टू अवर टेलीग्राम चैनल, सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल. आई विल मीट एवरी डे ऑन यूट्यूब एट 6 PM. आप मुझे 6 बजे मिलिए और मैं आपको बहुत सारी ट्रिक्स और बहुत सारी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ. थैंक्स अ लॉट गाइज, बेस्ट ऑफ लक.